नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनता कर्फ्यू के आह्वान पर मद्देनजर आज पूरे देश में जबरदस्त जनता कर्फ्यू लगा हुआ है। हमने हमारे लिए, स्वयं के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए और देश की रक्षा के लिए, सभी के लिए ये काम हमें सभी को करना है, और इसलिए आज मैं लगभग 31 तारीख तक, या जब तक सरकार नहीं कहेगी तब तक, कोई भी वीडियो नहीं अपलोड नहीं करने वाला हूँ। और मैंने जो मेरे आर्काइव्स के अंदर, जो पुरानी फाइल में जो अनपब्लिश्ड वीडियो पड़े हैं, उन वीडियो को ही मैं आपको एक एक करके आज लगा के देता हूँ। तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये पुरानी फाइल फोटो ही है, और सारी इन फाइल फोटो के अंदर मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि जैसे कि जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया है, हम सबको इसमें शामिल होना है। और देश में लगभग 7 करोड़ व्यापारी और 40 करोड़ कर्मचारियों ने घर पर ही रहने का फैसला किया है। बता दें कि कोरोना वायरस COVID-19 के कारण बनी संकट की स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील पर आज पूरा देश सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू में रहेगा। देश के कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने की कमर हम सब लोगों ने कस ली है। सभी राज्यों में सन्नाटा पसरा हुआ है, जैसा कि आप अपने टीवी चैनल पर देख रहे होंगे। जनता कर्फ्यू पर अमल करते हुए रेलवे ने भी 21 मार्च की आधी रात से 3,700 ट्रेनें स्थगित कर दी हैं। ये ट्रेनें 22 मार्च तक रात 10 बजे तक नहीं चलेंगी। संक्रमण अधिकांश विदेश से आने वाले यात्रियों की वजह से देखने को मिला है। इसे देखते हुए भारत ने पूरी दुनिया से अपना संपर्क एक तरह से काट लिया है। अब विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए आने जाने वाली विशेष उड़ानों के अलावा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट को एक सप्ताह तक उतरने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जनता कर्फ्यू के लिए निजी एयरलाइनों ने भी रविवार को अपनी उड़ानों में काफी कमी कर दी है। जनता कर्फ्यू शुरू हो रहा है, मेरी विनती है कि सभी नागरिक इस देशव्यापी अभियान में हिस्सा बने और कोरोना के खिलाफ लड़ाई को सफल बनाएं। हमारा संयम और हमारा संकल्प इस महामारी को परास्त करके ही रहेगा। ये बता दें कि 14 घंटे तक पूरा हमारे देश के लिए बहुत अहम है। इस दौरान देशवासियों का संयम और एक बड़ी महामारी के चक्र को तोड़ने में हम सब सहायक हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों नमस्ते। और ये जो वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, ये हम सफर का, ये पुरानी फाइल से लिया गया है, फोटो भी पुरानी है। थैंक यू दोस्त, हैव ए नाइस डे।
देखो यहाँ आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट के रूप में मैं आशा करता हूँ कि आप अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति अवश्य करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।